आज हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स, जीन ट्रांसफ़र के मेथड। कल हमने डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड डिस्कस किया था, और आज हम करेंगे यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए में क्या होता है कि कोई भी जो फॉरेन डीएनए होता है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्लांट सेल के अंदर। तो यहाँ पे ये बताया है कि डीएनए का सबसे पहले आइसोलेट करते हैं और उसको सबसे पहले तो उसको ट्रांसफ़र करते हैं वेक्टर में। जब वो वेक्टर में इंसर्ट होता है तो वो बन जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, और फिर उस रिकम्बिनेंट डीएनए को इंटीग्रेट करते हैं प्लांट के जीनोम में। और फिर जब वो इंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद वो एक्सप्रेस करता है। अब दो मेन अप्रोचेज होती हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। पहली होती है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, मीन्स एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। और दूसरा होता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में जो कल मेथड बताए थे, जैसे कि लाइपोसोम, पार्टिकल गन मेथड एंड माइक्रो इंजेक्शन मेथड, तो ये सारे मेथड डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में आते हैं। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन क्या होता है और एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता क्या है? तो सबसे पहले तो कि ये डाइकोट को इंजीनियर करने के लिए, मतलब जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, सिर्फ उनमें ही जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। मोस्ट कॉमनली मेथड है ये, लेकिन कुछ केसेस में मोनोकॉट्स में भी ये यूज़ होता है। इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो जे शेल ने किया था। ये एग्रोबैक्टीरिया होता क्या है? ये एक सोयल बैक्टीरिया होता है एंड ग्राम नेगेटिव होता है, और बिलोंग करता है राइजोबिया स्पीसीज को। इसका मेन काम क्या होता है कि ये जो प्लांट है ना, जब भी किसी प्लांट पे इंजरी होगी, मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में, ये क्राउन गोल डिजीज़ कॉज कर देता है। और जो राइजोजीन, इसी तरह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन तो क्राउन गोल डिजीज़ कॉज करता है। एक दूसरा होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन, ये भी जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। बट ये क्या करता है, ये हेरी रूट, जैसे यहाँ पर हेरी रूट की फॉर्मेशन हो रही है, तो ये हेरी रूट फॉर्मेशन डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स में। अब क्राउन गोल डिजीज़ जो होता है वो ये होता है कि जब भी कभी किसी प्लांट में इंजरी होगी तो वो क्राउन गोल की फॉर्मेशन कर देगा, और ये फॉर्मेशन होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की वजह से। मेनली ये यूज़ किया जाता है इंजीनियर करने के लिए डाइकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट जो होते हैं जनरली इससे रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए रेयर ही ये यूज़ होता है मोनोकोट में। कुछ डाइकोट्स भी रेजिस्टेंट होते हैं एग्रोबैक्टीरियम के लिए। अब इसका आगे ये कैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, जब भी और कैसे वर्क करता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो प्लांट में इन्फेक्शन होगा। जब इन्फेक्शन होगा, जहाँ पे भी वाउंड हुआ है प्लांट में, इंजरी हुई है, वहाँ पे इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें सबसे पहले इसका काम ये होता है कि ये उस जिस साइड पे वाउंड हुआ है उस साइड पे रिकॉग्नाइजेशन होगा और केमिकल रिलीज़ होगा टूवर्ड्स द वाउंडेड सेल की तरफ, और इससे क्या होगा, ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन होता है, जब हम उसमें जीन ट्रांसफ़र करते हैं और उसको कल्चर करते हैं, तो क्या होगा कि विद ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनडेफिनेटली विदाउट हार्मोन भी इनडेफिनेटली ग्रोथ करता है। अभी इसका आगे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसमें स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए भी जीन होते हैं इसमें, और साइटोकाइनिन सिंथेसिस के लिए भी। तो मीडिया में अलग से ऐड करने की कोई नीड नहीं होती है हार्मोन्स को। और मेनली ये जो यूज़ किया जाता है वो जीन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है इनटू द प्लांट सेल। अब ट्यूमर के कुछ फीचर्स हैं कि ट्यूमर की फॉर्मेशन होती क्यों है इसमें एग्रोबैक्टीरियम में। एक तो ये एक अमाइनो एसिड बनाता है ओपाइन। ओपाइन के भी दो फॉर्म होती हैं इसमें, ऑक्टोपाइन एंड नोपालिन। ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन में, उनके उसके प्लाज्मिड में। और ये जो ऑक्टोपाइन नोपालिन होते हैं, ये ड्राइव्ड होते हैं आर्गेनिन से। फिर एक और होता है एग्रोपाइन, एग्रोपाइन ड्राइव्ड होता है ग्लूटामेट से। ओपाइन जो है वो डिपेंड करेगा कौन सी स्ट्रेन हम यूज़ करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की। ऑक्टापाइन भी हो सकता है, नोपालाइन भी हो सकता है। और फिर जो इसका आगे प्रिंसिपल है कि इसमें एक तो कुछ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसका प्लाज्मिड होता है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड उसको बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देता है प्लांट के अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टीआई प्लाज्मिड के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि
एक तो वो लार्ज है, टी आई प्लाज्मिड का जो साइज है वो लार्ज है, अराउंड 200 kb है। कंजुगेटिव है, मीन्स जैसे बैक्टीरिया में कंजुगेशन होती है उस तरह से 10% तक का ही हम प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्लांट सेल में आफ्टर इन्फेक्शन। और इसमें जो डीएनए होता है, ट्रांसफ़र डीएनए, उसको टीडीएनए बोलते हैं, और वो इंटीग्रेट होके होता है न्यूक्लियर डीएनए में, और जिसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो ओपाइन की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो ट्रांसफ़र करवाते हैं फॉरेन डीएनए को, उन्हें वीर जीन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन का। यहाँ पे दो बॉर्डर दिए हुए हैं, एक लेफ्ट बॉर्डर है, एक राइट बॉर्डर है, और इसी के बीच में ऑक्सीन ए एंड ऑक्सीन बी हैं, ये दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीन की सिंथेसिस में। फिर साइटोकाइनिन है, CYT इसको बोलते हैं, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है साइटोकाइनिन की प्रोडक्शन में। एंड OCS मीन्स ऑक्टापाइन सिंथेस, ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्टापाइन की प्रोडक्शन करता है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है TDNA का, टी आई प्लाज्मिड में जो TDNA होता है। अब यही चीज़ इन्होंने बताई है कि कैसे जो होगा ऑक्सीन से, जैसे पहले ट्रिप्टोफेन से बनता है ऑक्सीन, तो ट्रिप्टोफेन सबसे पहले है प्रिकर्सर, उससे जब ऑक्सीन ए जो एंजाइम था वो एक्ट किया तो उसने बनाया इंडोल एसिटामाइड, और इंडोल एसिटामाइड के बाद ऑक्सीन बी आया, उसने कन्वर्ट कर दिया इंडोल एसिटिक एसिड में, मीन्स ऑक्सीन, ऑक्सीन का ही दूसरा नाम इंडोल एसिटिक एसिड होता है। तो ट्रिप्टोफेन से इसकी फॉर्मेशन होती है, और जब ये दो एंजाइम एक्ट करते हैं, इसी तरह से AMP प्लस आइसोपेंटाइल पेंटिनाइल पायरोफोस्फेट, तो जब CYT एंजाइम एक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, साइटोकाइनिन की फॉर्मेशन कर देगा। अगर इन दोनों हार्मोन्स ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट कर देते हैं और ट्यूमर की फॉर्मेशन भी कर देते हैं। अब वीर जीन क्या होते हैं, वीर जीन का फंक्शन क्या होता है, और ये क्या होते हैं, ये TI प्लाज्मिड पे होते हैं, अभी स्ट्रक्चर में भी था, और ये क्या करते हैं, यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए TDNA को प्लांट सेल में। तो जब भी कोई प्लांट में, प्लांट सेल के अंदर इंजरी होती है तो उस वाउंडेड प्लांट से क्या होता है, एसिटोसिरिंजोन एक केमिकल होता है वो रिलीज़ होता है जो एक्टिवेट करता है वीर जीन को। इसमें अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप्स के वीर होते हैं और उन सबका अलग अलग फंक्शन होता है, जैसे कि वीर ए बी सी डी ई एफ जी। अब वीर ए का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, जब भी इंजरी हुई प्लांट में, मतलब वाउंड हो गया, तो वहाँ से एसिटोसिरिंजीन ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द बैक्टीरियम के अंदर, और वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा वीर जी को पोस्ट ट्रांसलेशनली, मतलब आफ्टर ट्रांसलेशन के बाद। नेक्स्ट आता है वीर जी, ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन जो अनदर वीर जीन होंगे जैसे कि बी सी डी ई एफ जी, उनको ई एफ तक, उनको एक्टिवेट करेगा, उनकी ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। देन वीर डी टू होता है, ये एंडोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस और एंड इंटीग्रेस जो TDNA को कट करता है बॉर्डर्स पे, जो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर्स थे उनको वो कट करता है। देन वीर ई टू, ये क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड जो डबल स्टैंडर्ड होता है TDNA, उसके सिर्फ सिंगल स्टैंड से बाइंड करता है और फिर एक चैनल फॉर्म कर देता है जिससे कि TDNA जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए प्लांट सेल में। देन वीर ई वन होता है, ये शेपरोन की तरह एक्ट करता है जो कि प्रोटीन फोल्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। देन वीर डी टू एंड वीर ई टू, ये क्या करेंगे, TDNA को ट्रांसफ़र करेंगे न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं अलग अलग वीर के। इसी तरह वीर बी होता है, ये क्या करता है, ये भी ये TDNA इसको मिलता है थ्रू बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, एंड ये जो है ऑपेरॉन होता है 11 प्रोटीन्स का। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिर्फ डाइकोट को इसलिए करता है क्योंकि जब भी प्लांट में इंजरी होगी तो एसिटोसिरिंजोन प्रोड्यूस होता है और वही एक्टिवेट करता है अदर वीर जीन को। बट मोनोकोट क्या होते हैं, वो एसिटोसिरिंजोन को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो ये केमिकल होता है जो बाउंड के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। तो जब वही एसिटोसिरिंजोन प्रोड्यूस नहीं होता तो फिर एक्टिवेशन नहीं होती है अदर वीर जीन की।
और जो लेफ्ट एंड राइट बॉर्डर होता है उसके बीच में ही किसी भी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर देते हैं और फिर वो ट्रांसफ़र होता है प्लांट सेल में। लेकिन इंजीनियरिंग करते टाइम एग्रोबैक्टीरियम में कुछ प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि जो उसका साइज है वो 200 KB है, इट मीन्स कि वो बहुत लार्ज साइज है जिसको कि मैनिपुलेट करना डिफ़िकल्ट है, और ट्यूमर से प्लांट रिजेनरेट नहीं हो सकते हैं। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन के साथ। अब कुछ टाइप के वेक्टर सिस्टम होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज में बाइनरी वेक्टर सिस्टम। बाइनरी वेक्टर सिस्टम में होता क्या है कि एक तो जो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जीन थे उनको रिमूव कर देते हैं, मीन्स ये कैंसर कॉजिंग जीन थे तो इसलिए इनको रिमूव कर देते हैं। और दूसरा जो TDNA है, एक दो प्लाज्मिड्स में लेंगे, एक पे TDNA रहेगा और दूसरे पे, और साथ में इसमें क्या रहेगा, सिलेक्टेबल मार्कर रहेंगे ताकि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके। तो इसमें जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है वो होता है कैनामाइसिन। दूसरे प्लाज्मिड में विरजीन रहेगा सेपरेट प्लाज्मिड में, और इस तरह से फिर क्या होगा, फॉरेन जीन ट्रांसफ़र हो जाता है प्लांट सेल में। दोनों प्लाज्मिड्स को इकट्ठा रख देंगे और इस तरह से को ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक साथ ये दोनों प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होंगे और इन्फेक्ट करेंगे प्लांट को। ये स्ट्रक्चर है बाइनरी वेक्टर सिस्टम का। बाइनरी वेक्टर इसमें दो सेपरेट प्लाज्मिड होते हैं, एक होता है एक प्लाज्मिड में क्या होता है, विरजीन होते हैं। विरजीन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वही तो ट्रांसफ़र में हेल्प करेंगे फॉरेन जीन की। और दूसरा होता है, दूसरे वाला जो प्लाज्मिड होता है उसमें क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट ऑर्डर होंगे, साथ में एक सिलेक्टेबल मार्कर भी होगा ताकि सिलेक्शन की जा सके ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। तो लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ TDNA। दो मेथड्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, एक होता है लीफ डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है फ्लोरल डिप। तो इनमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं DNA को ट्रांसफ़र करने के लिए इनटू द प्लांट सेल। जब एक बार सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के साथ इसको रीजनरेट करते हैं, एंड जो हमें प्लांट्स मिलते हैं उनमें फॉरेन जीन आ चुका होता है उनके हर एक सेल में। ये तो होता है लीफ डिस्क मेथड। दूसरा होता है फ्लोरल डिप मेथड, इसमें कोई टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें जो भी रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और जो सीड्स होते हैं उनको स्क्रीन करते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है उनकी। अभी तक जो यूज़ किया गया है फ्लोरल डिप मेथड, जो सबसे पहले यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए Arabidopsis thaliana में। यहाँ पे ये वाला जो फिगर दिया हुआ है इससे ट्रांसजेनिक प्लांट, यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट की प्रोडक्शन हुई है बाय लीफ डिस्क मेथड से। तो यहाँ पे क्या किया गया, स्मॉल डिस्क मतलब लीफ लिया उसको पंच कर दिया और स्मॉल डिस्क बना दी, फिर उन जो लीफ डिस्क होती हैं उनको सरफेस स्टरलाइज किया ताकि कंटामिनेशन रिमूव हो जाए। उसके बाद उसको कल्चर किया ओवरनाइट के लिए लिक्विड मीडियम में विद एग्रोबैक्टीरियम के साथ। उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम के साथ तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्या होगा, फॉरेन DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये जो इस लीफ के अंदर ट्रांसफ़र करना है प्लांट फॉरेन जीन को, तो इसलिए इन दोनों को साथ में इनक्यूबेट कर देंगे लिक्विड मीडिया में ओवरनाइट के लिए। उसके बाद जो शूट इंड्यूसिंग सॉलिड मीडिया होता है, शूट की फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन होता है, और रूट बनाने के लिए होता है ऑक्सिन। तो पहले शूट इंड्यूसिंग जो सॉलिड मीडिया होगा जिसमें हाई कंसंट्रेशन होगी साइटोकाइनिन की, उसमें कल्चर करेंगे 2 डेज़ के लिए। आफ्टर दैट जब शूट बन जाती हैं उसके बाद उसको कैनामाइसिन कार्बोनिलिसिन जो मीडिया होता है कल्चर मीडिया उसमें 20 डेज तक रखेंगे। ये एक सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं ताकि जो ट्रांसफॉर्म सेल हैं उनको सिलेक्ट किया जा सके। जब शूट फॉर्मेशन हो गई, शूट को एक्साइज कर लिया एंड उसको ट्रांसफ़र कर दिया फिर रूट इंड्यूसिंग मीडियम में, मतलब उसमें हाई कंसंट्रेशन होगी ऑक्सिन की तभी रूट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब रूट भी बन गया, शूट भी बन गया, उसके बाद हो गया कंप्लीट प्लांट। अब उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं सॉइल में एंड फॉर कंप्लीट प्लांट की फॉर्मेशन के लिए। तो ये वाला मेथड था लीफ डिस्क मेथड, इसमें कल्चर मीडियम इन्वॉल्व होता है, बट जो फ्लोरल डिप मेथड होता है उसमें कोई कल्चर मीडियम इन्वॉल्व नहीं होता है।
तो ये थी आज की डिस्कशन अबाउट द जीन ट्रांसफ़र यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, जो कि एक